सीहोर जिले में किसानों को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। अल्पवर्षा के कारण बनी स्थिति के बाद कांग्रेस मैदान में आ चुकी है और इसी क्रम में कांग्रेस नेता शैलेंद्र पटेल ने मैदान संभाल लिया है, जिन्होंने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और किसानों को राहत देने की मांग की। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इक्षावर विधानसभा के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने किसानों के साथ मिलकर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक शैलेंद्र पटेल ने सैकड़ों लोगों के साथ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजा देने की भी मांग की। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब 15 महीने विपक्ष में थे तो 40,000 रुपए हेक्टेयर देने की बात किया करते थे। वहीं आज जब किसानों की फसल बारिश नहीं होने के कारण बर्बाद की कगार पर पहुंच चुकी है, इसलिए वर्तमान समय में फसल का पटवारियों से निरीक्षण करवाकर 40,000 रुपए हेक्टेयर दिया जाए। देखिए, पहली बात तो हमने ये कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उनका स्टेटमेंट आप सबने देखा होगा कि किसानों को जब फसलें बर्बाद हुई थी 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा देने की बात कही थी, बीमे की बात कही थी। आज वो मुख्यमंत्री है तो जो उन्होंने कहा था आज करके दिखाए, या जब वो झूठे थे आज निश्चित हो जाएगा। तो 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा मिले, किसानों को बीमा मिले, दूसरा 40% प्याज के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगा दिया है जिससे उनके भाव नहीं बढ़ पा रहे, तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार से बात करें, 40% का टैक्स वो कम करें। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो खेत बारिश के बाद आज काले पड़े हुए हैं, जिनमें बोनी के बाद बोनी खराब हो गई थी, उनका फसल बीमा योजना के द्वारा माध्यम से उनका सर्वे करवाकर उनको तत्काल राहत दी जाए, ये हमारी मुख्य मांग। आपने एक विषय पर और बात की है, बिजली बिलों को लेकर। जिस तरह से बिजली विभाग बिजली बिलों को लेकर किसानों से मनमानी करता है, जो उनका रवैया था उसको लेकर भी आपने क्या बात की? देखिए, इस समय जब किसानों की जेब में पैसे नहीं है, आज मध्य प्रदेश और सीहोर जिले में क्या हालत है, सिंचाई की बिजली 6 घंटे नहीं मिल रही है, घर की बिजली 12-14 घंटे नहीं मिल रही है, अब अनाप शनाप बिलों को लेकर किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। कई दिनों से सैकड़ों किसानों को अस्थायी वारंट उनका था, अस्थायी वारंट था तो गिरफ्तार किया गया। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को इंटरफेयर करके ये गिरफ्तारी रोकना चाहिए। वो किसानों की जो भारी भरकम बिल हैं तो माफ करें ना। प्रदेश प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया गया कि सीएम शिवराज ने घोषणा की थी जिसमें ये कहा गया था कि बिजली बिलों को माफ किया जाएगा, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। किसानों के वारंट निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सीहोर।